दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शुक्रवार को भी हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर दर्ज की गई। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल दो दिन वायु प्रदूषण की यही स्थिति बनी रह सकती है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रभावित राज्यों और एजेंसियों को प्रदूषण स्तर कम करने के लिए सहयोग देने की अपील की है। जावड़ेकर ने कहा कि इन चुनौतियों से मिलकर निपटने की जरूरत है। सीपी के ये है टोलिया जो घूम रही है और रोज के रोज तुरंत रिपोर्ट करती रहती है, तो ऐसे सब मिलके काम करना चाहिए। ये कंसेप्ट लाया और उसको किया। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये विषय सबने मिलकर काम करने का है, सबने सहयोग से काम करना है, एक दूसरे को दोष देने का ये वक्त भी नहीं है और ये काम ऐसा है नहीं। राजनीति के लिए 50 विषय होते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर अगले दो दिनों में हालात नहीं सुधरे तो सोमवार को ऑड-इवन पर फैसला लिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती दिल्ली के लोगों के ऊपर कोई किसी तरह की कठिनाई थोपी जाए, तो अभी भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। कल और परसों का और हम देखेंगे, अगर हवा में सुधार होता है तो फिर ऑड-इवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज सोमवार को फिर सुबह सुबह हम लोग इस पर निर्णय लेके और तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से लोग बेहाल हैं। दिल्ली में लगातार चौथे दिन भी जहरीली धुंध की चादर छाई रही, जिसके कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा।